नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे खबर दी गई है कि जहन्नम से सबसे आखिर में निकाले जाने वाला शख्स और जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाला शख्स कौन होगा। एक शख्स जहन्नम से घुटनों के बल घसीटता हुआ निकलेगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वो जन्नत के करीब पहुंचेगा तो उसके दिल में यह ख्याल डाला जाएगा, जन्नत तो भर चुकी है। वो लौटेगा और अर्ज़ करेगा, मैंने तो जन्नत को भरा हुआ पाया है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वो जन्नत के करीब पहुंचेगा तो दोबारा उसके दिल में यह ख्याल डाला जाएगा कि जन्नत तो भर चुकी है। वो दोबारा लौटेगा और अपने रब से अर्ज़ करेगा कि ऐ मेरे रब, जन्नत तो भर चुकी है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत है। वो शख्स अर्ज़ करेगा कि ऐ अल्लाह, क्या आप मुझसे मजाक करते हैं, आप तो बादशाह हैं। रावी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते वक्त इतना मुस्कुराए कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि ये अहले जन्नत में सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। सही बुखारी। अल्लाह, अल्लाह।